जरूरी नहीं, हमें लगा कि हमें आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाना है तो हम समान सीट पे आदिवासी नेतृत्व को भी आगे बढ़ाएंगे। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय को लेकर क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है और हमने अब विधानसभा वार अपने प्रभारी घोषित कर रहे हैं और जहां भी हमें अच्छा मजबूत प्रत्याशी मिलेगा जनता दल वहां पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। 75% टिकट OBC SC ST को देगा मध्य प्रदेश में JDU। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जनता दल यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों पार्टी भाजपा या कांग्रेस पिछड़े वर्ग के हितैषी नहीं है। इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस में मिले जुले ढंग से जो नूरा कुश्ती खेला है उसका दूरगामी परिणाम न केवल मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में होगा बल्कि पूरे देश में इसका असर होगा। आने वाले पंचायत चुनाव एवं निकाय चुनाव में JDU 75% आरक्षण ST SC एवं OBC को देगी और हम आने वाले समय में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता में जबलपुर के जिला अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेमा, एडवोकेट अशोक बेन, डॉक्टर महेश सोंधिया, ईमान खान, रवि प्रकाश जायसवाल, महेश दुबे आदि उपस्थित थे। जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज का। कोई महत्व नहीं, ना ही ये संजीदा रही है, ना ही की मंशा रही है पिछले वक्त को सम्मान देने, उसके अधिकार देने की। तो वही परिस्थिति आज निकाय चुनाव में क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्या स्थिति बनेगी, कोई जानने को आज बताने की स्थिति नहीं।